हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो के साथ में। दोस्तों सावन आ रहा है। सावन के अवसर पर जो है आज हम आपको बहुत ही खास महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों कावड़ कब चलेगी और कब से इसकी शुरुआत है, सभी यह सवाल पूछ रहे हैं कि कावड़ की स्टार्ट डेट क्या है, सावन कब से शुरू हो जाएगा, जल कब चढ़ाना चाहिए और 2023 कावड़ यात्रा का जल जो है कब चढ़ेगा, इसका शुभ समय क्या है, इसी की पूरी जानकारी आप सभी को प्रदान करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस बार सावन की शुरुआत जो है 4 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, यानी कि 4 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। हरिद्वार में जो कावड़ यात्री है 4 जुलाई को पहुंच जाएंगे और 4 जुलाई से ही हरिद्वार से अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ेंगे। और दोस्तों कावड़ का जल जो है की बार 15 जुलाई को चढ़ेगा, यानी कि 15 जुलाई में भी कोई बोल रहा है कि 16 जुलाई में चढ़ेगा, लेकिन जो सही डेट है वो 15 जुलाई की है, क्योंकि इसमें पंचांग के अनुसार जो है तिरोचि के बाद ही 14 का जल चढ़ता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 जुलाई को रात्रि 8 बजकर 20 मिनट तक जो है तिरोचि है, और तिरोचि के बाद ही मतलब 14 चालू हो जाएगी, 14 का ही जल चढ़ता है शिवलिंग पर। तो कावड़ का जल अभिषेक जो है 8 बजकर 20 मिनट से शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने यार दोस्तों और पड़ोसी तक जरूर पहुंचा देना, जितने भी कावड़ लाने वाला है। यार दोस्तों कमेंट करके बताना कौन कौन कावड़ ला रहा है आपकी बार, जो भी कावड़ लाएगा भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।